जैसे हर जगह का एक कल्चर होता है, एक कल्चरल ड्रेस होती है, वैसे ही ये श्रीलंका की एक ब्यूटीफुल साड़ी ड्रापिंग स्टाइल है जिसे ओसारी या कंडियन साड़ी बोलते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर अनुष्का ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था ये साड़ी ड्राप बनाने के लिए। मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो मुझे एक ब्यूटीफुल लेडी लिया रेना का व्लॉग मिला, उनकी पिक से इंस्पायर होकर मैंने ये ड्राप क्रिएट किया है। और हम इंडियंस का तो स्टाइल ही है कि हर किसी कल्चर को हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, और हो सकता है इसमें कहीं पर गलती हुई होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैंने बस उस लुक से इंस्पायर्ड होकर इस ड्रैप को क्रिएट किया है। तो चलिए देख लेते हैं ड्रैपिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जॉर्जेट की ये ब्लैक साड़ी को, इसमें सैटिन की और गोल्डन ऐसी बॉर्डर है। और इस साड़ी स्टाइल को मैं ड्रैप करने वाली हूँ इवनिंग गाउन पे। और इवनिंग गाउन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसमें टम एक्सपोज नहीं रहेगा, और वैसे भी इस स्टाइल में क्या है, ऊपर से आपको स्ट्रिंग बांधना होता है, उसमें ही साड़ी को आपको टक करना होता है। तो आप चाहें तो पेटीकोट और ब्लाउज भी यूज़ कर सकते, आप चाहें तो साड़ी के कंट्रास्ट में कोई लॉन्ग मैक्सी ड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही स्टाइलिश लगेगा इस टाइप के ड्रेप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर अपने साड़ी के पल्लू वाले साइड को लूँगी। वो लोग नॉन पल्लू साइड को ऊपर शोल्डर पे डालते हैं, बट हमारी साड़ी में फॉल होता है इसलिए मैं पल्लू वाले साइड को ही यहाँ पर लूँगी। तो पल्लू को मैंने चौड़ाई में ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है, और साड़ी का जो सीधा वाला भाग है वही बाहर की तरफ होगा। अब उसके मैं नैरो प्लीट्स बना लूँगी, तो जो हमारे प्लीट्स हैं वो डबल फोल्ड साड़ी पर बन रहे हैं इस तरीके से। तो इसका जो आउटर बॉर्डर है वो हमारे राइट हैंड की तरफ पे होगा इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे जो सैटन बॉर्डर है वो राइट हैंड की तरफ पे, ऐसे तीन प्लीट्स बन जाएंगे आपकी साड़ी में अगर आप हाफ फोल्ड करते हैं विड्थ वाइज। तो अब इसे आप इसे नीचे तक अरेंज करते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर पे इसे नी लेंथ तक डाल करके शोल्डर पे इसे पिन से अटैच कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब अपने पल्लू के जो राइट साइड वाले बॉर्डर्स हैं उसको थोड़ा स्ट्रेच करते हुए आपको नीचे में यहाँ पर अपने पेटीकोट के साथ में इसे पिन से सिक्योर कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। आपको इसे थोड़ा सा लो वेस्ट रखना है तो आप लो वेस्ट रख सकते हैं, और फिर आप इसे इसके जो पीछे के पार्ट है वहाँ से भी आपको थोड़े थोड़े से फोल्ड करते हुए इसे सिक्योर करते हुए वहाँ पर आप प्लीट्स दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक लगेगा। इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पर इसे पिन लगा दिया, आपको देख पा रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पर तीन फोल्ड्स दिखेंगे साड़ी में। ये ब्लैक कलर है तो थोड़ा सा आप कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है उतने अच्छे से, तो आप समझ पा रहे होंगे इस तरीके से ये तीन प्लीट्स मैंने यहाँ पर बना के सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिए। आप चाहें तो सिंगल प्लीट में भी इसे रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा फैला के रखा। आप इस तरीके का जो बेल्ट है आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रिंग आप यूज़ कर सकते हैं। सेम साड़ी के कलर के लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का बेल्ट इसीलिए यूज़ किया है, और इसे आप बिल्कुल टाइट टाई करेंगे आपको ठीक से समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर की स्ट्रिंग यूज़ की है। और जहाँ पर आपने पिन से सिक्योर किया इसके थोड़ा सा ऊपर आप इसे टाइटली टाई कर लें, और बिल्कुल टाइट होना चाहिए क्योंकि साड़ी उसी में टक होने वाली है। अब ये साड़ी का देख पा रहे होंगे आप, फॉल वाला जो पार्ट है वो अंदर की साइड में है और नीचे आना चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखें, आप पल्लू को फोल्ड करके जब लगा रहे होते हैं तब ये ध्यान रखिए कि फॉल वाला पार्ट जो है वो नीचे आए। अब आप साड़ी के नॉन पल्लू साइड पे आ जाएं, उसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हमें अपने कमर पे मेजर करना है वन राउंड। इस तरह अपने कमर की गोलाई को आप नाप लेंगे, और नापने के बाद जो जगह आ रही है पॉइंट, वहाँ पर आप सेफ्टी पिन लगा लेंगे। थोड़ा सा आगे में सेफ्टी पिन लगा लीजिए ताकि सेफ रहे, तो ऐसे सेफ्टी पिन लगा के आप मार्क कर लीजिए। अब जितना पार्ट बचा है जहाँ पे आपने मार्क किया वहाँ तक आपको बाकी पूरी बची हुई साड़ी की प्लीट्स बना लेनी है। छोटी छोटी प्लीट्स आप नीटली बना लेंगे, जितने अच्छे छोटे प्लीट्स बनाएंगे उतने अच्छे यहाँ पर फ्रिल आपके साड़ी में जो ऊपर से आप टक करके निकालेंगे वो दिखने वाले हैं। ये प्लीट्स हमें सिर्फ ऊपर की सतह जो बॉर्डर लिया है पल्लू का उससे सिर्फ अपर बॉर्डर से हम बनाएंगे, नीचे वाला बॉर्डर वैसे ही छूटा रहेगा। तो इस तरीके से प्लीट्स को अब हम नीचे से अपनी स्ट्रिंग के नीचे से बाहर में ऐसे निकाल लेंगे, और जितने लंबे आपको फ्रिल रखने हैं आप उतना लंबा इसे बाहर निकाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा तिरछा आता है क्योंकि उन लोगों के ड्रेस का जो लुक है वो थोड़ा सा तिरछा रहता है, तो वो बहुत प्यारा लुक देता है। तो इस तरीके से आप इसे यहाँ पर अपनी प्लीट्स को फैलाते जाएंगे। अब प्लीट्स को अच्छे से फैलाते हुए आप पूरा एक राउंड कवर कर लेंगे, यानी आपको फिर से अपने राइट हैंड की तरफ ही इन प्लीट्स को फैलाते हुए जाना है। तो इसे फैलाते हुए जब आप जाएंगे तो जो पिन से आपने पार्ट मार्क किया था वो पार्ट ही यहाँ पर आपके वापस आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको बैक साइड में थोड़ा ध्यान रखना है फ्रिल्स की लेंथ में, और ये जो मार्क किया था हमने वो पॉइंट यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर भी ऐसे ही आपका बिल्कुल तिरछा दिखेगा वो साड़ी का फ्रिल। अब यहाँ पर आपने जो साड़ी बची हुई है अब उसे देखिए आप इस तरीके से आगे सामने से कर्व दिख रहा है, ये फ्रिल ऊपर निकाल लेने के बाद ये शॉर्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए पीछे फॉल जो है हमारा उल्टा है, यानी कि वो बाहर की साइड में फॉल दिख रहा है, तो हम ये जो एक राउंड उल्टी तरफ से वापस से रैप करेंगे तो वो फॉल हमारा कवर हो जाएगा।
तो फिर से हमारे राइट हैंड साइड से हम इसे वापस उल्टा रैप करना स्टार्ट करेंगे। तो आप कॉर्नर पे ध्यान रखें कि सेफ्टी पिन से जहाँ पे आपने मार्क किया था उसे अपने स्कर्ट के साथ ही साड़ी को अटैच कर दें, तो आपका ये निकलने का टेंशन नहीं रहेगा। और ये बहुत अच्छे से आपको टक कर लेना है नीचे अंदर फ्रिल के नीचे में। पहले आप एक राउंड को अच्छे से लगा लीजिए और यहाँ पे वापस से राइट हैंड साइड पे आगे आकर एक टक कर लें। फिर आप बीच बीच में दो तीन जगह पर उसे अच्छे से टक कर लें। आप चाहें तो सेफ्टी पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं। अब इस तरीके से अपने फ्रिल को सेट कर लें और जो लास्ट पार्ट है उसे डबल फोल्ड करते हुए जो पार्ट हमारा बचा हुआ है ये साइड से दिख रहा है वहां पर उसे कवर कर दें। उसे कवर करते हुए बैक साइड में अच्छे से अंदर फ्रिल के अंदर में स्ट्रिंग में टक कर दें। यहाँ पे भी कॉर्नर पे आप चाहे तो एक नॉट बांध लें, तो नॉट की वजह से क्या रहेगा कि साड़ी को बहुत अच्छा होल्ड रहेगा वहाँ पर, वो निकलेगी नहीं, या फिर सेफ्टी पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से स्ट्रिंग में उसे आप टक कर लीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ में आप निकाल सकते हैं और इसे यहाँ पे नीटली अच्छे से टक कर लेंगे आप बॉर्डर्स पे, तो वो और अच्छा लुक देगा। और इस तरीके से आपकी फ्रिल यहाँ से ऐसे तिरछे में जाते हुए बिल्कुल फ्रॉक स्टाइल या कह सकते हैं पेपलम टॉप जैसा आपका अपर पार्ट दिखेगा और नीचे पेंसिल स्कर्ट दिखेगा, तो बहुत ही अच्छी स्टाइलिश है साड़ी। तो जल्दी ही किसी पार्टी में इसे पहनने वाले।